नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के लिए टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे वो कौन कौन सी मेडिसिन है जिनकी सहायता से आपको अगर हेयर फॉल की समस्या हो रही है, आपको एलोपेशिया एरिएटा की समस्या हो रही है जो आपके बाल में पैचेस के रूप में गायब हो रहे हैं, या आपको समय से पहले ही आपके जो सारे बाल हैं वह झड़ चुके हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपनी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसकी मेडिसिन जानने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं आखिर हेयर फॉल की समस्या लोगों में क्यों होती है। तो दोस्तों इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे अगर किसी को डैंड्रफ की समस्या हो तो डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ सकते हैं। इसके पीछे खान पान भी जिम्मेदार होता है, अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपके बाल झड़ सकते हैं, या जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तनाव लेते हैं, उनके भी बाल झड़ सकते हैं, या महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बाल झड़ने की समस्या देखी जा सकती है, या PCOD PCOS की समस्या है उसकी वजह से बाल झड़ने की समस्या देखी जा सकती है, थायराइड के केस में ऐसा हो सकता है, या हेरिडिटी के वजह से ऐसा हो सकता है। अगर किसी के मदर फादर को हेयर फॉल की समस्या रही हो तो उनकी संतानों में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कुछ कारण थे जिनकी वजह से जनरली हेयर फॉल की समस्या लोगों में देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन आती है वह है CPR 200। दोस्तों जो CPR मेडिसिन होती है हेयर फॉल की बहुत ही ज़्यादा रामबाड़ा दवा है। अगर किसी को हेयर फॉल की समस्या है, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों में ही मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दोस्तों अगर किसी को लंबे समय से अगर हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो आप उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन CPR का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जिसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली मेडिसिन आती है वह है मार्कसॉल 200। दोस्तों जो मार्कसॉल मेडिसिन होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है हेयर फॉल की। खासकर जो हेयर फॉल है वो टेम्पोरल रीजन से हो रहा हो, साइडों से अगर किसी के बाल झड़ते चले जा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन मार्कसॉल 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो इसकी जो डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है वह लाइकोपोडियम 200। दोस्तों हेयर फॉल की बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और असरकारक मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम। बालों के झड़ने के पीछे चाहे कोई भी कारण हो, हर कारण को दूर करके ये मेडिसिन हेयर फॉल की समस्या को ठीक करने का काम करती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो चौथी मेडिसिन आती है वह है फॉस्फोरस 200। दोस्तों फॉस्फोरस भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और असरकारक मेडिसिन है। अगर किसी व्यक्ति के जो बाल हैं वो पैचेस के रूप में गायब हो रहे हों, एलोपेशिया एरेटा की परेशानी अगर किसी को आ गई हो, तो जब किसी व्यक्ति के जो बाल हैं अगर पैचेस के रूप में गायब होते हैं तो उसको ठीक करने का काम फॉस्फोरस मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली और लास्ट मेडिसिन आती है वह है एसिड फॉस 200। दोस्तों जो एसिड फॉस मेडिसिन होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है हेयर फॉल को ठीक करने की। जो हेयर फॉल है वह शरीर में कहीं का भी हो रहा हो, सिर के बाल झड़ रहे हों, भौहें के बाल झड़ रहे हों, पलकों के बाल झड़ रहे हों, जेनाइटल के बाल झड़ रहे हों, तो उसको ठीक करने का काम एसिड फॉस मेडिसिन करती है। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनके इस्तेमाल से अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, हेयर फॉल चाहे कितने लंबे समय से भी अगर आपको हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।